हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुहम क्लासेस। दोस्तों आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल सुहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 12 के विद्यार्थियों, आपकी जो ये सबसे शानदार टॉपिक जिसका नाम है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो सेंटेंस के रूप को बदलना बिना अर्थ बदले, जिसकी एक टॉपिक में आपने पढ़ा क्या है रिमूव टू, यानी टू को हटा के क्या हम यूज करते हैं, इसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो आज की भी टॉपिक जो आपकी सेकेंड बहुत ही शानदार टॉपिक की शुरुआत होने जा रही है, क्या कि चेंज फॉर असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस का किस क्या परिवर्तन, असर्टिव सेंटेंस का परिवर्तन किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो कैसे करना है, इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहना है। तो सबसे पहली बात करते हैं, आपको मैं बताते चलूं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। द सेंटेंस विच स्पीक्स ओनली स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो केवल कथन कहता है, जिसमें कोई भी इंप्रेशन नहीं होता है, वो असर्टिव होता है। और एक ऐसा सेंटेंस, द सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन, ऐसा वाक्य जो प्रश्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी उसकी पहचान है क्वेश्चन मार्क का होना, इसकी पहचान है सब्जेक्ट शुरू होना और फुल स्टॉप का होना। तो कैसे कन्वर्ट करना है, तो वही चीज हमें देखना है। जैसे रूल वन देखिएगा, आप लोग जब पहले पढ़ते थे, टेंथ लेवल पे जब आप थे, तो ये सीखते थे कि इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या करिए, सेंटेंस की सहायक क्रिया को आगे कर दीजिए। तो जी हाँ, एक रूल इसमें वो कामयाब आपको करेगा, लेकिन बाकी रूल जुदा होंगे। तो क्या पहला रूल कहता है कि यदि या दी असर्टिव सेंटेंस, यदि असर्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते समय, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते समय, जो आपको आपका टेंथ लेवल का जो था वही फर्स्ट आपको फॉलो करना है कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते समय क्या करना है, बदलते समय सेंटेंस की सहायक क्रिया को, सेंटेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे, सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अन अकेडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम यूपी 10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। इस सहायक क्रिया यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले कर देते हैं। ये पहला रूल हो गया आपका। रूल नंबर टू आपका कहता है, रूल नंबर टू क्या कि जो अगर असर्टिव सेंटेंस, आप जैसा कि जानते हो कि अब असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। तो अगर असर्टिव सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है तो वो जब भी आपका इंट्रोगेटिव बनेगा वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। यानी असर्टिव सेंटेंस में नॉट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दोगे, नॉट है तो उसे आप हटा दोगे।
तो आप क्या, यदि असर्टिव सेंटेंस, यदि असर्टिव सेंटेंस, यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, अफर्मेटिव में हो तो उसे निगेटिव कर देते हैं, तो उसे क्या करते हैं, निगेटिव कर देते हैं। और यदि निगेटिव हो तो अफर्मेटिव कर देते हैं, यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव होगा, वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव कर देते हैं। कहने का कुल मिला के अर्थ क्या है, मैंने बोला क्या कि यदि नॉट है तो हटा देते हैं, नहीं है तो लगा देते हैं, यानी अर्थात नॉट हो तो हटा देते हैं और न हो तो लगा देते हैं, न हो तो लगा देते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आपने तो क्या किया, सेंटेंस की सहायक क्रिया को आगे कर दिया, नॉट नहीं है तो हटा दिया, है तो लगा दिया। तो अब आपको करना क्या, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब असर्टिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। तो अंत में हम क्या करते हैं, हम रूल नंबर 3 में हमारा क्या होता है कि सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ओके, चलिए देखिए आपके सामने एग्जांपल हम देते हैं। जैसे लिखा मैंने कि टैगोर, ये आपका असर्टिव है, हमें इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, ठीक है। असर्टिव की विशेषता क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। तो हम देख लेते हैं कि ये असर्टिव का क्या है, कहीं निगेटिव आया है नहीं, यानी असर्टिव का अफर्मेटिव है, तो हमें इसे इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो ये इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ किसमें कन्वर्ट होगा, निगेटिव में कन्वर्ट होगा। यानी चलिए पहले हम रूल फॉलो करते हैं, जब भी एक बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं, ये आप कलम लिए हो, कॉपी भी अपने वैसे ही लिखते, जब देखो सेंटेंस सही क्रिएट होता है या नहीं। तो क्या करना है, जो सेंटेंस की सहायक क्रिया, यहां तो सहायक क्रिया दिख रही है, कौन सी, वाज, इसको क्या करना, इंट्रोगेटिव बनाते से इनको सबसे पहले लिख देना है। आपने वाज को लिख दिया, अब वाज बाहर आ गया, अब आपने बचा टैगोर। मैंने कहा कि सहायक क्रिया को आगे करिए, नॉट ना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, तो टैगोर के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे, तो आपका जवाब आएगा कि थे। इसलिए आप जानते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि रूप बदल दो लेकिन अर्थ न बदले, यानी टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, किसी वाक्य के रूप को बिना अर्थ बदले बदल देने को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आपने क्या किया बच्चा, आपने इस असर्टिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, अर्थ चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। कोई आपसे पूछे कि वाज टैगोर वाज नॉट अ ग्रेट पोएट, क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे, आपका रिप्लाई क्या आएगा, टैगोर एक महान कवि थी, यानी एकदम परफेक्ट आंसर होगा। तो आपने सहायक क्रिया को आगे किया और नॉट नहीं था तो क्या किया, इसके बाद लगा दिया। ऐसे ही एक और देते कि अगर नॉट हो तो क्या होगा, देखिए एक और असर्टिव हम आपके सामने लेते हैं कि यू कैन नॉट
win, you cannot win this match. Win this match, तुम इस मैच को नहीं जीत सकते हो. यहां पे क्या है, सब्जेक्ट और फुल स्टॉप असर्टिव है, लेकिन असर्टिव का निगेटिव है. तो सेम कंडीशन है बच्चा, क्या कि आपको करना क्या है, सबसे पहले इस सेंटेंस की सहायक क्रिया को आगे. सहायक क्रिया कौन है, कैन, चाहे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, सब क्या है, सहायक क्रियाएं, डू, डस, डिड. तो कैन सहायक क्रिया, इसको आगे कर दो. तो कैन हो गया. अब हम यहां क्या लेंगे, सब्जेक्ट. अब क्या देख रहे हो, नॉट है तो हटा देते, नहीं नहीं लगाएंगे, और नॉट नहीं रहता तो यही यू के बाद नॉट होता. तो कैन यू विन, हमने नॉट हटा दिया, विन दिस मैच, क्या तुम इस मैच को जीत सकते हो, तो तुम इस मैच को नहीं जीत सकते हो. लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क. तो इस तरह से आपको असर्टिव से निगेटिव बनाते हैं. एक बात और सबसे इसमें फैक्ट होता है, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे नॉट तो सर ठीक है, आप नॉट को कह रहे हैं कि है तो हटा दीजिए, नहीं है तो लगा दीजिए. अच्छा सर ये बताइए, नेवर आ जाए तो क्या करेंगे, उसका भी हम उपाय बता रहे हैं. आप जब डॉक्टर के पास आए हो तो दवा तो मिलेगी ही, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर जो चीजें उठ रही होंगी उसका जवाब देना मेरा काम है, उसको समझाना मेरा काम है. तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं, करना क्या है कि अगर नेवर आ जाए, देखिए यदि यदि असर्टिव सेंटेंस में, यदि असर्टिव सेंटेंस में, यदि असर्टिव सेंटेंस में नेवर या नो आ जाए, नो आ जाए, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय, तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में इन्हें क्रमशः, इन्हें क्रमशः नेवर को एवर में और नो को एनी में बदल देते हैं, एनी में बदल देते हैं. तो ये आपका रूल है. तो देखिए अब आपको करना क्या, जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं आपके सामने, असर्टिव सेंटेंस लेते हैं. अगर यहां पर है कि ही विल नेवर, ही विल नेवर फॉरगेट, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वो मेरी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा. ओके इस असर्टिव को आपको करना क्या है, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है. तो हम अगर बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव पोर्शन की, ओके तो सबसे पहले करना क्या है, आपको इस सेंटेंस की सहायक क्रिया को आगे करना है. अब आपने पढ़ा नॉट होगा तो हटा दोगे, नहीं होगा लगा दोगे, लेकिन ये नेवर दिख रहा है आपको, तो नेवर चाहे वही रहेगा, बस उसका रूप चेंज होके एवर हो जाएगा, यानी उसका अपोजिट. तो आप क्या करोगे, विल को तो आगे करोगे, नॉट के सेशन में हम नॉट हटाते, नेवर होने पर उसको हटाना नहीं है, एवर कर देना है. तो विल और ये ही, तो जब ये पहले आ गया तो यह स्मॉल हो गया, विल ही नेवर का एवर, ठीक है, फॉरगेट माई काइंडनेस, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. ओके अब ऐसे ही एक सेंटेंस ले लेते हैं, किसका, आपके नो का. तो जैसे अगर नो क्यों देखें, और ये असर्टिव है, नो वन, नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है, तुम्हें कोई नहीं जानता है. आप अभी इसकी भी बात कर लें, सहायक क्रिया दिख रही है, सहायक क्रिया दिख रही है, सहायक क्रिया दिख रही है, हेल्पिंग वर्क दिख रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, उस हेल्पिंग वर्क को आगे कर दे रहे हो. लेकिन अगर हेल्पिंग वर्क न दिखे तो दो ही टेंस होता है, या तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का आपका अफर्मेटिव होगा, या तो वो पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव होगा. तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव यानी कि अगर उसमें यस या यस फर्स्ट फॉर्म है तो समझ जाइए कि वहां सहायक क्रिया हमको डू डज में से कोई एक लेनी है. यस या यस होने पर डज आएगा, फर्स्ट फॉर्म होने पर डू आएगा. लेकिन अगर पास्ट इंडिफिनिट यानी मिन और का सेकेंड फॉर्म है तो आपको सहायक क्रिया डिड आएगी बाहर.
तो हम क्या देख रहे हैं, ये नोज है, इस सेंटेंस की सहायक क्रिया बाहर क्या होगी जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो होगी हमारी डज, हो गया डज। अब ये नो है तो नो को किस में कन्वर्ट कर दें, एनी में, डज एनी वन, डज एनी वन। अब जब डज बाहर गया तो मेन वर्ब में से यस यस हट जाता है, नो यू, नो यू अंत में क्वेश्चन मार्क, ओके। तो ये आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है इसको आप नहीं भूलोगे। अब जो थोड़ा मॉडर्न मेथड से देखते हैं तो क्या आता है कि अगर कभी भी, यहीं पे सुन लेना, रूल आगे भी है, यहीं पर मैं आपको बता दूं, यदि कभी भी नो वन या नो बडी आपको आए और उसे इंट्रोगेटिव बनाना हो, इस बहुत ज्यादा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन में जब असर्टिव से इंट्रोगेटिव का पूछता है तो नो वन और नो बडी के क्वेश्चन बहुत पूछे, कभी भी लास्ट ईयर के पेपर उठा के आप देख लो, आपको ये देखने को मिलेगा। तो करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब आपको नो वन और नो बडी दिखे आप ब्रैकेट में लिख दे कि इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव में चेंज कर, कुछ नहीं करना है, बस नो वन को हटाकर हु लिख दे ना है और बाकी सब वही रहेगा। तो नो वन की जगह हो जाएगा हु, अब बाकी सब वही, नोज यू, हु नोज यू अंत में क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे ये आपको इस तरीका अपनाना है नो वन और नो बडी होने पर। और जब यहीं पर एवरीबडी हो तो क्या करोगे, एवरीबडी के लिए एक एग्जांपल हम आपको यहां देते हैं, देखिएगा कि एवरीबडी, एवरी बडी लाइक्स, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, लाइक्स टू बिकम ग्रेट, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, महान होना पसंद करता है, ये हमारा असर्टिव है। मैंने नोबडी की बात किया तो आपने हु लगाया, तो अगर एवरीबडी में भी हु लगेगा लेकिन ये निगेटिव था, ये निगेटिव था तो ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बना, लेकिन अगर जब इसमें ये क्या है अफर्मेटिव है एवरीबॉडी, उसमें नो था, तो आपको मालूम है कि जब भी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनेगा तो अफर्मेटिव निगेटिव में कन्वर्ट होता है और निगेटिव अफर्मेटिव में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका जो अफर्मेटिव है इंट्रोगेटिव बनने के साथ साथ निगेटिव भी होना चाहिए, यानी हु के बाद नॉट लेना है तो हु एक क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लेके तब नॉट लगाओगे। तो कैसे समझना यहां पे, एवरीबॉडी हम यहां करते हैं हु, अब लाइक्स है तो मेन वर्ब यस से यस, तो नॉट लगाएंगे, नोबडी में नॉट नहीं लगाना है, केवल हु लिख देना पूरा हो जाएगा, लेकिन एवरीबॉडी होने पे नॉट लगेगा लेकिन सहायक क्रिया के बाद। तो इसकी सहायक क्रिया आती है हमारी डज, तो हु डज नॉट, हु डज नॉट, लाइक्स का हो जाएगा हमारा लाइक टू बिकम, बिकम ग्रेट, ओके अंत में क्वेश्चन मार्क। तो एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, हर व्यक्ति महान होना चाहता है, कौन महाना महान होना नहीं पसंद करता है, तो जवाब आपका क्या आएगा कि हर व्यक्ति महान होना पसंद करता है। यानी आप समझ गए कि असर्टिव से जब भी इंट्रोगेटिव बनाना है हमें करना क्या है कि सेंटेंस की सहायक क्रिया आगे करना है, नॉट ना होने पर लगा देना, होने पर हटा देना है, और फिर क्या करना है, नेवर होने पर एवर कर देना है, नो होने पर एनी, लेकिन अगर नो वन आ जाए तो कुछ डायरेक्टली हु कर दो, एवरीवन या एवरीबॉडी आ जाए तो हु के साथ सहायक क्रिया और नॉट लगाना है, और हर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का अंत में क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जब मैंने आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव सिखा दिया तो जाहिर सी बात है आपके अंदर तो इतना हुनहार विद्यार्थी हो कि आप इंट्रोगेटिव से असर्टिव जरूर बना लोगे, यानी सेम इसका अपोजिट, क्योंकि अगर एक बार रास्ता मैंने दिखा दिया आपको कि यहां से वहां जाना है तो वहां से यहां तक तो आप आने का जज्बा रखते हो, ये हमें पता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और यदि अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस सबसे हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि एक बेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आपसे छुटी तो समझिए कि एक क्लास आपका मिस हो गया, आपने बहुत कुछ खो दिया, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। तो तब तक के लिए गुड लक मेरे दोस्तों।